तो दोस्तों अभी अभी चाइनीज ट्रेलर आया है जिसमें इन्होंने इतना कुछ रिवील कर दिया है कि मूवी की सारी हाइप ही ख़त्म कर दी है। मुझे लग रहा है इस मूवी के पिछले कुछ दिनों में जितने क्लिप्स आए हैं उसको देख के यही लगता है कि लगभग 60% स्टोरी रिवील्ड हो चुकी है। एनीवे, इस चाइनीज ट्रेलर को आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं इस चाइनीज ट्रेलर को। वेल, मैं हूँ किशोर और आप देख रहे हैं थिएटर वाला रिव्यू, तो गुरु होते हैं शुरू। तो दोस्तों इस चाइनीज ट्रेलर में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि वॉर बीट्स को, एंड वॉर बीट्स यहाँ पर एक नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी फौज है। एंड अगर यहाँ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये लोग किसी छोटे छोटे पक्षियों को खा रहे हैं और यहाँ पर कॉन्ग एंड सुको उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। एंड तभी शायद उन्हें भी भूख लग गई होगी और वो भी किसी एकांत सी जगह पर जाकर बड़े से जीव को मारकर खा रहे होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक शॉट में हमें जॉइंट एंशिएंट वॉर बीट्स की हड्डियां दिखाई जाती है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड इसी रास्ते से सुको कॉन्ग को स्कॉर्पियन के किंगडम में लेकर जा रहा होता है। एंड यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो एक साइड हरी भरी घास है तो एक तरफ चट्टानों से पिघलता हुआ लावा दिख रहा है, यानी कि स्कॉर्पियन का किंगडम यहीं से स्टार्ट होता है। एंड ये बात तो क्लियर हो गई कि इसी रास्ते से स्कॉर्पियन आना जाना करता है। एंड ये उसी के द्वारा बनाया गया ब्रिज होगा जो उसने कॉन्ग के स्पेसिस के साथ मिलकर बनाया होगा। एंड अगले इस सीन में हम मोनार्ड वालों को किसी सिग्नल को डिटेक्ट करते हुए देखते हैं। उसे गॉडजिला भी डिटेक्ट कर लेता है। एंड जैसा कि गॉडजिला इसको डिटेक्ट करता है वो वैसा ही अपनी जगह से मूव करने लगता है। एंड गॉडजिला तभी मूव करता है जब उसे खतरा महसूस होता है। तो यहाँ पर गॉडजिला समझ जाता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। एंड जब हॉलो अर्थ पे कॉन्ग जाता है तो यहाँ पर हम किसी बड़े से कैव्स यानी कि गुफा के अंदर उसको देख सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे क्रिस्टल दिखाई देते हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल। यानी कि 400 फीट तो कॉन्ग की हाइट ही है बट फिर भी उन क्रिस्टल के सामने कॉन्ग बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये वही क्रिस्टल होंगे जिसमें से किसी एक से स्कॉर्पियन सीमू को कंट्रोल कर रहा होगा। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये काफी शाइनिंग क्रिस्टल दिख रहे हैं, एक ग्रीन है तो एक ब्लू कलर का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियन के पास एक छोटा सा क्रिस्टल कितना कुछ कर सकता है, तो सोचो कि ये इतने बड़े बड़े क्रिस्टल क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनार्ड की टीम किसी पिरामिड के अंदर जाती है एंड यहाँ पर उन्हें कुछ कलाकृतियाँ मिलती है जो कि एक ईवीए ट्रेप्स के द्वारा बनाई गई होती है। एंड यहाँ आप इस तस्वीर को नोटिस करोगे तो यहाँ पर स्कॉर्पियन सीमू की राइडिंग कर रहा है एंड यहाँ पर एंशिएंट टाइटंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेकर्स ने पहले ही बता दिया था कि इस गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के अंदर हमें सबसे ज्यादा मॉन्स्टर वर्ल्ड की फाइट या बैटल देखने को मिलने वाली है जो कि हमें यहाँ पे इस पेंटिंग्स के द्वारा फोरशेडो भी कर रही है। एंड अगले ही सीन में हम कॉन्ग को जॉइंट ग्रेवियंट में खड़ा हुआ देख सकते हैं जहाँ पर उसके ही स्पेसिस की हड्डियाँ पड़ी होती है। एंड यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल जाता है कि कॉन्ग के स्पेसिस की हड्डियाँ यहाँ हुए एंशियंट वॉर के टाइम की है एंड ये वॉर स्कॉर्पियन ने ही शुरू करवाई थी क्योंकि उसे उस किंगडम पर राज करना था या कह सकते हो कि होलो अर्थ पर उसको राज करना था। तो उसके सबूत यहाँ पर हमें मिलते हैं। एंड यहाँ पर हम एक सीन में देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन उस प्रोटेक्टेड लेयर को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। एंड बता दूं ये वही लेयर होता है जिसमें मोथरा ने बनाया होता है एंड स्कॉर्पियन इसे ब्रेक कर ह्यूमंस के बीच आ जाता है। एंड यहाँ पर हम थोड़ा नोटिस करेंगे तो स्कॉर्पियन के पास जो एक्स है वो कॉन्ग के स्पेसियस ही है क्योंकि उन्होंने मिलकर एंशिएंट वॉर लड़ी थी एंड जो अभी भी स्कॉर्पियन के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फाइट सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि कॉन्ग से कितना फास्ट है स्कॉर्पियन एंड यहाँ पर कॉन्ग उसके क्रिस्टल से बचने की कोशिश भी करता है। एंड अगले ही सीन में कॉन्ग के ऊपर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है एंड कॉन्ग उससे बचने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर अब यू ट्राइब्स के कुछ लोग यहाँ पर काफी घबराए हुए हैं, वो इसलिए कि स्कॉर्पियन उनके लेयर को ब्रेक करके यहाँ तक पहुँच चुका है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन राइडिंग कर रहा है सुमो की तो कॉन्ग राइडिंग कर रहा है गॉडजिला की। एंड यहाँ यही वो सीन है जो इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन होने वाला है। एंड दोस्तों जैसे कि ना जाके मोथरा से मदद मांगेगी एंड मोथरा यहाँ हेल्प करने वाली है यूवी ट्राइब्स की। एंड मोथरा के रिवील होने के बाद से यहाँ पे बैटल काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।